मेन मुद्दा जो मेरा यहाँ आने का ये है कि अब आप लोगों ने कमेटी फ्रेम कर दी है जिसमें जीएम साहब है, आप हैं और भी डीसी ऑफिस के जो मतलब लोग हैं। आज तक आप लोगों को कोई कमेटी याद नहीं थी, मतलब जो चल रहा था व्यापार आप लोगों का सिफारिशों पे चल रहा था या कौन से बेसिस पे चल रहा था। बट अब जब हम लोगों का थोड़ा हमने देखा कि अब इन लोगों की एंट्री है तो शायद क्या पता क्या होने वाला। आप लोग भी फेड अप, जो कि आपने मुझे बोला था कि फेड अप हो गए, कभी किसी का कॉल आता है तो वो लगाओ दूसरी पार्टी कहती। तो मैं कह रही हूँ सर कि ऐसी नौबत क्यों आने थी आपने, अगर आपने फेयरली पहले ही, क्योंकि आपकी तो गाइडलाइंस होती है, जहां तक मुझे पता है कि आपकी गाइडलाइंस होती है और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको जो है सिलेक्शन करना होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग कह रहे कमेटी फ्रेम है, 15 को आपकी कमेटी फ्रेम हुई है और उसके बाद भी रिक्रूटमेंट्स हो रही है विदाउट किसी भी इंटरव्यूज के। हमारे लोगों को बोल रहे डीसी ऑफिस जाओ इंटरव्यू दो और यहाँ से आप लोग आराम से लगाए जा रहे हैं। मतलब कि एक जो कुक खाना बनाने वाला, क्या हमारे एरिया में खाना भी कोई नहीं बना सकता, वो भी आपने बाहर से लाया है, सफाई भी कोई नहीं कर सकता है क्या? मतलब आप बताइए ना कि क्या, मतलब क्या रीजन क्या है इसके बिहाइंड। जी सर, जो ये कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट ने किया मैंने नहीं किया, मैंने अंदर करवाया। डीसी साहब ने किया, ये डीसी साहब अभी मेरे पास 3 हफ्ते पहले आए, उन्होंने बोल दिया। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि उन्होंने देखा होगा कि भाई कुछ ठीक चल नहीं रहा है, जो भी होगा उनका अपना इसमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी। कमेटी तो उन्होंने बनाया, हमारा कोई रोल नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दो तो उसके हिसाब से वो जो भी आगे की कार्रवाई करनी है वो कर लेंगे। रिक्वायरमेंट तो हमने दी थी, मेरे ख्याल से करीब 3 हफ्ते हो गए और उस पर हमने फिर से क्लैरिफिकेशन मांगी है, उस पर भी हमने थोड़ा सा बढ़ाया है अभी। तो रिक्वायरमेंट तो मेरे ख्याल से आज तो हमने फिर से जाएगी उनके पास, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस चेंज किए, जो भी मतलब सरकारी कार्रवाई होती है तो ये तो चल रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कमेटी बनाने में हमारा कोई रोल नहीं है, और पहले हम जो करते थे उसी हिसाब से करते थे, और जब से ये कमेटी बनी हमने एक भी आदमी नहीं रखा, एक भी नहीं। ये भी मेरे ख्याल से आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, एब्सोल्युटली नन। अच्छा, फिर आपने बोला कि भाई आपके पास वो लिस्ट नहीं है, हमने कितने कहाँ से लिया है, तो लिस्ट हमारे पास है, हम आपको अभी प्रोवाइड कर देंगे। जरा उसको कोई जाए हरदीप के पास, एक समराइज लिस्ट है वो हम आपको भी देंगे। अब ये हमने कैसे इसका प्रोसेस शुरू किया, जब हमने 2.5 साल पहले शुरू किया, फर्स्ट जो हमारा था वो हमने एडवर्टाइजमेंट किया था, वो भी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि आप एडवर्टाइजमेंट करो। उसमें जो आया तो फर्स्ट लॉट जो हमने 50, 60 या 100 आदमी कर लिया था वो हमने थ्रू एडवर्टाइजमेंट लिया था, उसको शॉर्ट स्क्रीनिंग करके बाकायदा प्रोसीजर फॉलो किया था। उसके बाद तो हमने जितने भी यहाँ डिस्प्लेस फैमिलीज जो दुर्गम क्षेत्र में आती इस जगह वो तकरीबन पूरे अब्जॉर्व हो गए, और हमने ये उस टाइम में प्रेफरेंस दी थी कि भाई दक्षिण से लेकर भंडारपुर तक जो भी जहाँ भी जो स्किल अवेलेबल है वो हम ले लेंगे। तो उस पर हमने पूरी कार्रवाई की, हमने ये ध्यान रखा कि भाई जैसे मेरे और मेरे साथी काफ़ी बाहर से आए हुए हैं तो हमको भी काफ़ी टाइम हो गया सर्विस करते करते, हमारी भी जान पहचान काफ़ी, हमने ये पहले रिलेशन दी थी कि कोई अपना बंदा नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर जो हाईली स्किल्ड स्टाफ है, सुपरवाइजिंग स्टाफ जिनको काम आता है, जिनको चलाना है। तो कोशिश यही की है कि दक्षिण से लेकर भंडारपुर तक जितने भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम दिया जाए। अब टोटल अगर आप देखेंगे लैंड यूजर से डिस्प्लेस्ड मेरे को अच्छे से याद नहीं है, वो मंगवाओ जरा एक समरी शीट ना इसके बाद दे दो मेरे को, दे दो 97 डिस्प्लेस्ड और लैंड यूजर्स। आप देखिए हमने अभी तक जो दिसंबर 12 तक जो मतलब जो हमने यहाँ के लोग लिए हैं 534, ठीक है, ये जिसकी हमें वहाँ इनको भेजी थी उन्होंने मेरे को प्रोवाइड की, आप ले लीजिए उसको कोई दिक्कत नहीं। ये तहसील दक्षिण मरवा से, इसमें कौन कौन से गांव आते हैं, पंचदारा, सुंदर, दक्षिण, सिक्ची, मरवा, सोरवती, डमरूरू, इंजीनियरी और इखाला और पुलिस, इसमें 187 आते हैं। कहाँ कहाँ से सर? 104
फिर अप टू भंडारपुर, भंडारपुर पंचमला, पलमाड़ और भंडारपुर में 100 आदमी, ठीक है जी।